टीसीएस का आप सामने लैंड पैच देख रहे हैं, ओनर का लैंड पैच है। आप सामने काम बहुत तेजी से चल रहा है इसमें, आप देखेंगे दिन रात काम चल रहा है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं नियर एक्सप्रेसवे के, बड़े बड़े प्लांट लगेंगे, बड़ी बड़ी ये लगा लो कि सोसाइटीज़ भी डेवलप हो रही है रेजिडेंशियल के लिए। तो ये टीसीएस का लैंड पैच है। माइक्रोसॉफ्ट भी एक्सप्रेसवे पे है, पेटीएम भी है, हल्दीराम ने भी कुछ लैंड लिया। तो बहुत सारे यहाँ पे कमर्शियल की एक्टिविटी भी आ रही है, तो उनको ऑब्वियस सी बात है कि अच्छी लग्जरी सोसाइटी चाहिए होगी आने वाले समय में, चाहे वो रेंटल पर्पज़ हो, चाहे वो रेडी टू मूव इन हो, ऑन सेल या परचेज के लिए हो। तो उसी के लिए आज हम चलेंगे एक सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट जो कि पोजेशन होने वाला है सोन, उसको देखेंगे। जस्ट इस टीसीएस से जाएंगे प्रोजेक्ट तक मात्र 5 मिनट्स का डिस्टेंस है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है 2 BHK का प्राइस, क्या है 3 BHK का प्राइस। साइज में आपको बता देता हूँ, 2 BHK 1350, 3 BHK 1775 स्क्वायर फीट है। तो कॉर्नर प्लॉट है, कॉर्नर 3 साइड कॉर्नर प्लॉट है, उसमें लग्जरी ऑप्शंस है। पोजीशन जैसे मैंने बताया मार्च 2025 का रेरा के अकॉर्डिंग डेट है। तो अगर आप देख रहे हैं कोई अल्ट्रा लग्जरी सोसाइटी में घर, अल्ट्रा लग्जरी मीन्स जिसमें आपकी हर एक वो चीज़ होती है जो कि घर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अपने यूनिट में जाके देख सकते हैं कि व्यू क्या मिलेगा, कहाँ से लोकेटेड है, कौन सी फेसिंग पड़ रही है। सबसे अच्छी चीज़ है प्रोजेक्ट, ये इसका प्रोजेक्ट है अभी तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है। और ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन, टावर स्ट्रक्चर रेडी है, इंटरनल फिटिंग चल रही हैं, सिर्फ 2 ही साइज अवेलेबल है, फ्रेश में यूनिट अवेलेबल है। सामने आप देख रहे हैं कमर्शियल के प्रोजेक्ट एक्सप्रेस वे पे, ये एक्सप्रेस वे के साइड लाइन है, वो वाली लाइन है ये। ऑलमोस्ट आप देखेंगे 45 मीटर रोड है, साफ़ सुथरी ग्रीनरी के साथ। तो यहाँ से हमने अप्रोक्स TCS से लेके एज तक का जो डिस्टेंस कवर किया है, 3 साढ़े 3 किलोमीटर का जो डिस्टेंस हमने कवर किया है, इसी के पास में आ जाता है यहाँ पर नोएडा सेक्टर 148 मेट्रो का स्टेशन। मेट्रो के बिल्कुल जस्ट अपोजिट साइड है ये, JP का सेक्टर 152 स्टार्ट हो गया है। इसी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, इसी सेक्टर में प्रोजेक्ट है एज का, जो कि ऑलमोस्ट नियर पोजिशन है। तो उसके अंदर मैं आपको सैंपल भी दिखाऊंगा, 2 BHK का भी दिखाऊंगा, 3 BHK का भी मैं बताऊंगा उसमें। तो उसके अंदर सबसे खास है कि आपको फील आता है कि आप किसी होटल में एंटर कर रहे हैं जब आप पर्टिकुलर अपने प्रोजेक्ट में एंटर करते हैं। तो ये सेक्टर 152, ये कमर्शियल है, इसके अंदर कुछ कमर्शियल ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर, साथ ही यहाँ पे JP अमन भी है। और सेक्टर 152 में हम आ चुके हैं, ये वाला राउंड अबाउट देखते हैं। तो ये अंडरपास है, अंडरपास से ही आप मेट्रो से कनेक्ट होते हैं, गाड़ियाँ के लिए ऑलरेडी अंडरपास रेडी है। तो यहीं से सामने ये कॉर्नर का जो प्रोजेक्ट है, ये आप सामने देख रहे हैं इसका प्रोजेक्ट, वाइट कलर का 3 BHK है, जो विदाउट वाइट है वो 2 BHK की टावर है। तो ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर रेडी है, नियर पोजिशन है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बिल्डर अच्छा है एस का प्रोजेक्ट। सामने आप देख रहे हैं मेन एंट्रेंस कितना लग्जरी एंट्रेंस है, MY1 कंस्ट्रक्शन के साथ है, और 2 BHK की यूनिट की टावर सामने आप देख रहे हैं, 2 BHK के काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं, साफ़ सुथरे हैं, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छा है। ये आप पूल देख लीजिए, स्विमिंग पूल, होटल की फील देता है, इस तरीके का आप मेंटेन किया गया है। तो इसके अंदर आपको सारी सुविधाएं मिलती है, अल्ट्रा लग्जरी सुविधाएं, मतलब कंप्रोमाइज ही नहीं होता एस का किसी भी प्रोजेक्ट में क्वालिटी लग्जरी के नाम पे। सामने आप खुद ही देख लीजिए MY1 का कंस्ट्रक्शन है ये, MY1 में भी बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, ऐसा नहीं है कि MY1 कंस्ट्रक्शन है तो कैसे, आप खुद ही देख सकते हैं। अभी इस पे पेंट भी नहीं हुआ है, ये 3 BHK के जिसपे पुट्टी हुई है अभी सिर्फ, तो आप देख लीजिए 3 BHK। और ये क्लब आप देख लीजिए, क्लब का तो क्या ही कहना, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जिसे बोलते हैं। तो इसके अंदर क्लब है ये पूरा का पूरा, आप देखेंगे मेन एंट्रेंस क्लब का, डबल लॉबी हाइट्स मिल जाती है इसमें आपको, साथ ही इंटरनली आपको मिल जाते हैं यहाँ पे सिटिंग एरिया मिल जाते हैं, लाइब्रेरी मिल जाती है, इंटरनल गेम्स मिल जाते हैं। इसके साथ अच्छी चीज़ है कि हर एक टावर के अंदर आपको गेमिंग मिल जाती है, इंडोर आउटडोर तो होती है। और आप क्वालिटी देख लीजिए, क्वालिटी के नाम पे आप देखेंगे अल्ट्रा लग्जरी, मतलब कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, चाहे वो फर्श हो, चाहे वो वॉल हो, किसी भी टाइप में, स्टेयर केस में भी आप देख लीजिए क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसमें काफ़ी अच्छी आप देखेंगे, ये यहाँ पर हॉल है, जैसे पार्टी या गैदरिंग करनी हो तो यहाँ पे पार्टी हॉल है। और ये क्लब का मेन एंट्रेंस, जैसे क्लब स्पेस लिखा ही है राउंड अबाउट होता हुआ। तो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे आपने देखी यहाँ पर, अब मैं आपको ले चलता हूँ, 2 BHK का एंट्रेंस है ये, 3 BHK का इससे भी बड़ा है, 2 BHK के टावर लॉबी एंट्रेंस है। जी हाँ, आप देखिए डबल ट्रिपल लॉबी हाइट्स के साथ,
आपको मिलती है कि फिनिशिंग से फ्लोरिंग के साथ एक अल्ट्रा लग्जरी एंट्रेंस, इसमें आपको मिलेगा एक ये, साथ ही इसमें आपको लिफ्ट एरिया में मैं आपको बता दूँ, इसमें एक पर्टिकुलर फ्लोर पे 2 BHK के 6 यूनिट हैं और 3 BHK के 4 यूनिट हैं। तो ये हो गया आपका स्टेयर केस, साथ ही आपका इसमें ये लिफ्ट लॉबी एरिया है, इंटरनल गेम्स जैसे मैंने बताया आपको, टावर के अंदर ही गेम्स भी हैं, ये 3 लिफ्ट है एक टावर में, ये लिफ्ट लॉबी एरिया है, 3 यूनिट इस साइड है, 3 यूनिट सामने आपको मिल जाती है, तो 6 यूनिट है जैसे मैंने बताई आपको। तो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छी है इस, और मार्च 2025 पोजिशन नज़दीक, पेमेंट प्लान काफ़ी अच्छा, बजट मैंने आपको बताया दिया, मिनिमम 2 CR के अप्रोक्स है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस में लेने के लिए। इस प्रोजेक्ट में आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, अगर आपको यहाँ विजिट चाहते हैं 2 BHK 3 BHK। 2 BHK का सैंपल देखेंगे, ये देखिए आप, अलग ही लुक है, क्वालिटी के नाम पे मतलब एकदम फिनिशिंग दे रखी है काफ़ी अच्छी। आप स्टेयर केस देख लीजिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लिफ्ट लॉबी ये भी है एक्चुअल जो मैंने आपको बताया, ये लिफ्ट लॉबी एरिया हो गया, साथ में ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फीस फ्लोर मीन्स फर्स्ट फ्लोर। तो ये हम 1350 स्क्वायर फीट का एक 2 BHK अपार्टमेंट देखते हैं। क्वालिटी आप देख लीजिए, ग्लास वर्क बहुत ज़्यादा है, सबसे खास चीज़ है इस प्रोजेक्ट में ग्लास वर्क सबसे ज़्यादा। आप देखेंगे हॉल के अंदर ही 2 ग्लासेस हैं, किचन 2 BHK के हिसाब से काफ़ी अच्छी, विद यूटिलिटी बालकनी के साथ आपको मिलती है ये किचन। आप देखेंगे एल शेप में किचन है, यूटिलिटी बालकनी देख लीजिए, काफ़ी अच्छी बालकनी है, और ये आपका सिंक एरिया हो गया। और 2 BHK में जैसे मैंने आपको बताया ग्लासेस वर्क बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे ये पहला बेडरूम हम देख लेते हैं, बेडरूम काफ़ी अच्छा लग्जरी सा बेडरूम है, काफ़ी अच्छा स्पेस है 2 BHK में। इसमें अटैच वॉशरूम नहीं है, अटैच बालकनी नहीं है, ये एक सेफ्टी के लिए बना गया, जैसे बच्चे के लिए होता है, तो उसमें बालकनीज नहीं है, ओनली विंडोज़ हैं, और ये आपकी कॉमन वॉशरूम आ गया 2 BHK में। 3 BHK में 4 वॉशरूम है, 2 BHK में 2 वॉशरूम है। और ये आते हैं, आप चलते हैं मास्टर बेडरूम की ओर, साइज काफ़ी अच्छा, 1350 में 2 BHK, ग्लासेस वर्क सामने आप देख ही रहे हैं, मास्टर बेडरूम के साथ बालकनी अटैच है और वॉशरूम भी अटैच है। तो ये आ गया वॉशरूम 1350 स्क्वायर फीट का। तो यहाँ पे अगर आप 2 BHK देख रहे हैं 1350 स्क्वायर फीट, तो भी कॉल कर सकते हैं, लिमिटेड ही यूनिट बची हुई है, डायरेक्ट बिल्डर से रीसेल अलाउड नहीं है। 3 BHK अगर आप देख रहे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप 3 BHK बजट आपका अच्छा खासा है, 2.5 से 3 CR के आसपास है, तो 3 BHK के ऑप्शन भी मिल जाते हैं अप्रोक्स 3 CR में। तो 1775 स्क्वायर फीट है ये बालकनी, आप देख लीजिए ये बालकनी, जैसे मैंने बताया ग्लास वर्क काफ़ी अच्छा है। तो कॉल कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर लेना चाहते हैं, एस का प्रोजेक्ट ओन एक्सप्रेस वे। थैंक यू।